पेड़ वर्कर गुंडा है, चोर है वो, ये बोल। अंकल जी अंकल जी अंकल जी पेड़ नहीं, पेड़ नहीं। तेरी हमदर्दी की हमने जरूरत ना, तू पहलवानों से आता ना, तेरी हमदर्दी की फरीदाबाद से निकल जाए, मैं फरीदाबाद पल्ला से, तेरी हमदर्दी की जरूरत नहीं, निकल जाए। चलो ठीक है ठीक है, समझ ले, पहलवानों फसगा कल तो जाओ, तेरी हमदर्दी की जरूरत नहीं, तेरे जैसे भक्तों की जरूरत नहीं, निकल जाए। ये पेड़ वर्कर है साला बीजेपी का, कितने बार कह रहे थे, कोई मंदिर मिश्र की बात नहीं कर रहा, झूठा अपना आप बना रहे बातों को। पीछे पेड़ वर्कर को निकालो, तू पहलवान है क्या? हां जी मैं पहलवान, खिलाड़ी तू, मैं खिलाड़ी हूं, इनके प्रोटेस्ट में आया हूं मैं तो, तू निकल जाए, ऐसे हमने प्रोटेस्ट की जरूरत नहीं, गुस्सा नहीं कर रहा यार, ये चोर आदमी निकालो यार। अच्छा मैं चोर आदमी हूं भाई साहब, क्या बात है जी, बाजी वाह बाजी वाह, सबको अपनी बात कहना है। कौन हो आप लोग, कहां से आए हो आप लोग? पत्रकार सरकार कौन चला रही है आपको? पत्रकार साहब ये नहीं पता, तुम आपने माइक कैसे पकड़ लिया? नाम लो ना, तुम नाम लो। अरे भाजपा सरकार है, भाजपा है, भाजपा की सरकार कौन चला रही है? कौन चला रही है? भाजपा चला रही है। प्रधानमंत्री कौन है भाई? मोदी जी, आपको ये नहीं पता, तो आपने माइक कैसे पकड़ लिया? कार्रवाई किसको करनी है? कार्रवाई सरकार करेगी, इसके 1200 से हमको पूरे हो जाएंगे, इसके 1200 पूरे हो जाएंगे। भाई साहब गलत बात कह रहे हैं, इतने ये सब माइकों गए चाहिए। अब मेरी बात सुन लो जी, इसके 1200 पूरे होने वाले हैं, तो इसके लिए लोग आरएसएस चला रही है सरकार, और मोदी को भी आरएसएस चला रही है, मैं इसको जवाब दूं। ओए हेलो पेड वर्कर, आप लोग गुंडा है, चोर है वो, ये बोल, सुनो गुंडा है, चोर है, कौन बोल रहे, मैं तो बोल रहे पेड़ वर्कर, गुंडा है, चोर है। मैं रहता हूं फरीदाबाद में, रहता हूं पल्ला सैदपुर के अंदर में, ठीक है, विजय मेरा नाम है भाई साहब, जानकर पूछ लो भाई, विजय यहां खड़ा है, वो बता देंगे। पेड़ वर्कर कह रहे हैं, पेड़ वर्कर कह रहे बार बार, भाई साहब को मैं कुछ नहीं कह रहा, भाई साहब मुझे पेड़ वर्कर कह रहे हैं, मैंने एक बात बोली है, यहाँ पर पहलवानों की बात होनी चाहिए, हमारे देश के गौरव की बात होनी चाहिए। कौन हो आप लोग, कहाँ से आए हो आप लोग? पत्रकार नेशनल दस्तक वाले जब भी कोई भी रिपोर्ट लेगा चलाएगा कुछ और, बस सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, और हमारे पहलवानों की सरकार करेगी, सरकार देश का जस्टिस देश का कानून करेगा। कौन चला रहा है सरकार? सरकार कौन चला रही है आपको? पत्रकार साहब ये नहीं पता, तुम आपने माइक कैसे पकड़ लिया? नाम लो ना, तुम नाम लो। अरे भाजपा सरकार है, भाजपा है जी, भाजपा की सरकार कौन चला रही है? कौन चला रही है? भाजपा चला रही है। प्रधानमंत्री कौन है भाई? मोदी जी, आपको ये नहीं पता, तो आपने माइक कैसे पकड़ लिया? करनी है कार्रवाई, किसको करनी है कार्रवाई? सरकार करेगी, इसके तनख्वाह के पैसे 1200 से हमको पूरे हो जाएंगे, इसके 1200 पूरे हो जाएंगे। भाई साहब गलत बात कह रहे हैं, इतने ये सब माइकों गए चाहिए। अब मेरी बात सुन लो जी, इसके 1200 पूरे होने वाले हैं, थोड़ी देर में आरएसएस चला रही है सरकार, और मोदी को भी आरएसएस चला रही है, मैं इसको जवाब दे दूं भाई, आरएसएस चला रही है, मोदी को भी सुन ले मेरी बात, मेरी बात गलत मत समझना, मेरी बात सुनता है, ये क्या कह रहे हैं, बात मंदिर और मस्जिद की बात कर रहे हैं, बात सुनता बने सुनता, भाई साहब वक्ता बन दिया, वक्ता बन दिया, मैं सुनता बनी तू इब सुन, देख मैं दूंगा तेरे जवाब, भाई साहब एक मिनट, इसको मैं दूंगा जवाब, नरेंद्र मोदी को चला रहा मोहन भागवत, ठीक है भाई, मोहन भागवत के सरेआम नरेंद्र मोदी ने पैर पकड़े थे, नहीं पकड़े, प्रधानमंत्री मोहन भागवत के पैर पकड़े, पहले मैं बताता हूँ सारी बात, चलो हो गया भाई, मेरी बात सुन, श्रोता भी बनना सीख, हो गए हैं 72 घंटे हो गए हैं, 200 कैमरा लगा है, 3 किलोमीटर की दूरी है प्रधानमंत्री ऑफिस की, सवाल जनता के लिए, भाई सवाल जनता के लिए, मैं दोनों वीडियो यहीं दिखा दूंगा, यहीं से कर दूंगा, मैं दिखा दूंगा, मेरे पास वीडियो है, देखने वाले दम रखे, अच्छा मैं वीडियो दिखाऊंगा, मैंने क्या बोला था और इन्होंने क्या चलाया, आपको आपको क्या कहा जा रहा है? नहीं कुछ नहीं यार, मंदिर मस्जिद क्यों करते हो भाई? कौन कर रहा है यार? पहलवानों की बात हो रही है, किसी के यार, किसी के बच्चा, किसी का बच्चा मर गया वहाँ तुम चले जाओ, तुम वहाँ मंदिर मस्जिद करोगे यार? गलत बात है यार ना, अंकल जी अंकल जी अंकल जी पेड़ नहीं, पेड़ तेरी हमदर्दी की हमने जरूरत नहीं, ना तू पहलवानों से आता ना, तेरी हमदर्दी की, मैं फरीदाबाद से हूं, निकल जा, मैं फरीदाबाद पल्ला से, तेरी हमदर्दी की जरूरत नहीं, निकल जा। चलो ठीक है ठीक है, समझ ले, पहलवानों फसगा कल तो जाओ, तेरी हमदर्दी की जरूरत नहीं, तेरे जैसे भक्तों की जरूरत नहीं, निकल जा। ये पेड़ वर्कर है साला बीजेपी का, कितने बार कह रहे थे, कोई मंदिर मिश्र की बात नहीं कर रहा, झूठा अपना आप बना रहे बातों को। पीछे पेड़ वर्कर को निकालो, तू पहलवान है क्या? बाबूजी मैं पहलवान, खिलाड़ी तू, मैं खिलाड़ी हूं, इनके प्रोटेस्ट में आया हूं मैं तो, तू निकल जाए, ऐसे हमने प्रोटेस्ट की जरूरत नहीं, गुस्सा नहीं कर, ये चोर आदमी निकालो यार। अच्छा मैं चोर आदमी हूं भाई साहब, क्या बात है जी, बाजी वाह बाजी वाह, सबको अपनी बात कहने का हक है ना जी, ना ऐसे ऐसे बात, मैं लगा दूंगा कैमरा, लाओ मैं ले चुका हूं पहले, अब आप थोड़ी देर पहले, ये भी थोड़ी देर पहले, मंदिर मस्जिद मैंने अपन सतों से पूछा है, वे कहते हैं जब भी यहाँ कोई मुद्दा होता किसान का और कोई, 2 साल से यही बोकता रहता है।
अभी भी नहीं बताऊं अच्छा अंकल जी अच्छा बाबू जी ये अलग ही एजेंडे के साथ है बता दी जा तू करवाऊंगा खिलाड़ी की जब पार्टी के खिलाफ थोड़ी है न्याय मांगने आ रहे हैं फिर देखो खेलों को बढ़ावा देने के लिए जो खेल फेडरेशन है कुश्ती फेडरेशन उसको चेंज करने की बात हो रही है या नहीं तो हम कहाँ करें मोदी जी को हटा लोगे यार अजय बात है हम भी तो वही कर रहे हैं हम कह रहे हैं फेडरेशन अध्यक्ष को हटाएगा कौन हमें मत सिखाओ यार हम अपने लाल हमको हटाना होगा चलो कोई नहीं आपने कहा कि लोकतंत्र खतरे में ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि ऐसा बिल्कुल लग रहा है जी 2014 के बाद अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है ये और पूरा मीडिया प्रेशर में है जब सुप्रीम कोर्ट के चार चार जज बाहर आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है बचाएं जनता से अपील करते हैं सारे कॉन्स्टिट्यूशनल जितने भी हमारे स्तंभ थे सभी पे आरएसएस ने कब्जा कर लिया है मोदी जी के हाथ में भी शायद अब कुछ रहा नहीं सब जगह सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन ईडी सीबीआई जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थान थे सब हाईजैक हो चुके हैं और अब लोकतंत्र खतरे में है सर बचाएं सभी की जिम्मेदारी है संविधान और लोकतंत्र दोनों खतरे में है ऐसा 8 साल है आप देखो ना कि मीडिया अपना काम कर रही है बेटियों का बेटियों के साथ क्या हाल किया है और जितने रेपिस्ट हैं सारे के सारे बीजेपी को ही क्यों अच्छे लगते हैं उनके साथ क्यों खड़े रहते हैं क्यों नहीं एक्शन लेने देते कुलदीप सेंगर को देख लो वो चिन्मयानंद को देख लो वो तो बड़ी लंबी फहरिस्त है तो सर बचाइए लोकतंत्र को और संविधान दोनों खतरे में है हमारी सबकी जिम्मेदारी है मीडिया अच्छा भी काम कर रहा है कुछ मीडिया गोदी मीडिया भी बना हुआ है ठीक है जी वैसी से ज़्यादा हो तो हम बताएं।